नमस्कार। बहुत से लोगों ने पूछा है कि मुंह से ना बदबू बहुत आती है, कहीं बैठते हैं तो बैठने लायक नहीं रहते, बहुत बदबू आती है, सामने वाला भी हमसे दूर होने की कोशिश करता है। हमने बहुत तरह के पेस्ट बदल के देख लिए मगर उसका कोई लाभ नहीं होता। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पायरिया के कारण या पेट की खराबी के कारण मुंह से बदबू आती है। तो अगर आपका पेट साफ नहीं होता तो त्रिफला एक चम्मच सोने से एक घंटा पहले गुनगुने पानी या गाय के गुनगुने दूध के साथ लेना शुरू करें। अब मैं आपको मंजन जो घर पे आप तैयार कर सकते हैं, कैसी बदबू हो वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। कुलंजन पान की जड़ को बोला जाता है, कुलंजन 50 ग्राम लेनी है आपने। शीतल मिर्च या शीतल चीनी के नाम से भी जाना जाता है, काली मिर्च की तरह होती है, पीछे पूंछ होती है, तो उसे शीतल चीनी बोला जाता है। तो आपने 50 ग्राम वो लेनी है, लौंग 50 ग्राम लेने हैं। तीनों को लेके पीस के पाउडर बना लें और लगभग चौथाई चम्मच हाथ पे रख के अच्छे से मसूड़ों पे दांत पे करें। इससे दांतों की समस्या भी नहीं रहेगी और दांत भी सुंदर और मजबूत बनेंगे, और पायरिया अगर है तो पायरिया की शिकायत भी दूर हो जाएगी। और मुंह से बदबू की शिकायत तो पहली बार जो करेंगे ना आप मंजन, मंजन करने से ही पूरी तरह से नष्ट होता चला जाएगा। पर आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।